हाय एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लुएंट इंग्लिश का लर्निंग पॉइंट। इन दिस वीडियो हम लोग आज बात करने वाले हैं टाइम एंड टेंस का डिफरेंसेस होते क्या। लास्ट वीडियो में हम लोग बात किया था टेंस का, कुछ डेफिनेशन समझे थे, उसके टाइप्स समझे थे, उसके कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आपको दिया था कि क्या आप उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, राइट। आज हम लोग समझेंगे कि टाइम एंड टेंस में होती क्या है डिफरेंसेस, राइट। तो इसके कॉलम के माध्यम से हम इसको समझेंगे कि इसमें डिफरेंसेस होती क्या है। इसको हर एक को जानना चाहिए कि टाइम एंड टेंस होता क्या है, राइट। कुछ कुछ लोग कहते हैं सेम होती है, ये सेम नहीं होते भाई, ये सेम नहीं होती, कुछ कुछ अलग होती है। इसमें जो आइडियाज टर्म्स आते हैं अलग अलग आते हैं, तो चलिए जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ जो है टाइम और यहाँ है टेंस, राइट। टाइम मतलब ही समय होता है, टेंस का मतलब काल, यानी कि काल भी एक प्रकार का क्या है, समय है। तो हम समझेंगे टाइम जो है ये ग्रामेटिकल टर्म नहीं है। सबसे पहला डिफरेंस है यह एक ग्रामेटिकल ग्रामेटिकल टर्म नहीं है। यह एक ग्रामेटिकल टर्म नहीं है, दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ग्रामेटिकल टर्म, ओके। जबकि टेंस क्या है, यह एक ग्रामेटिकल टर्म है, यह एक ग्रामेटिकल टर्म है, ऑलराइट। ये ग्रामेटिकल टर्म नहीं होता है, जबकि ये ग्रामेटिकल टर्म होता है। वो क्या होता है हम लोग समझेंगे एग्जांपल से, ओके। दूसरा हम लोग ये समझेंगे यह एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। दूसरा यह है कि यह एक यूनिवर्सल, इसको मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, UNIVERSAL यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। यह एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। टाइम जो होता है यह क्या होता है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट होता है, ऑलराइट। यह एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट होता है या है, जबकि टेंस यह एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है। यह एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है। अब यह यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट होता है कि भाई, इसको भी समझेंगे। बस आप अभी यह समझिए कि यह एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, जबकि टेंस यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट होता नहीं है। यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, एक्सटर्नल कॉन्सेप्ट, इन सबको हम लोग समझेंगे, राइट। यह भाषा से, यह भाषा से स्वतंत्र या मुक्त है, यह आजाद है। मतलब इसको लिखेंगे यह भाषा से, यह जो हमारा भाषा है, भाषा से स्वतंत्र या मुक्त है। मुक्त मतलब आजाद, स्वतंत्र मतलब भी आजादी होता है, मुक्त है। जबकि टेंस क्या है, यह स्वतंत्र या मुक्त नहीं है, यह स्वतंत्र या मुक्त नहीं है, यह स्वतंत्र या मुक्त नहीं है। स्वतंत्र मतलब आप समझते हैं आजाद होता है, राइट। स्वतंत्र मतलब जो फ्रीडम की बात करते हैं हम लोग, यह फ्रीडम होता है, इसमें ज़्यादा कुछ दिखना नहीं होता, इसको हम इजमार करके हम इजली बना सकते हैं। जबकि हम इसको, इसमें टेंस में हमें बहुत कुछ देखना पड़ेगा, राइट। बहुत सारी चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा, उसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे। अभी बस ये समझिए, ये ग्रामेटिकल टर्म है नहीं है, जबकि ये ग्रामेटिकल टर्म, इसमें ग्रामर का यूज़ होता है, ध्यान से समझेंगे इसको। ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट क्या है, इसको मैं अलग से अभी बताऊंगा, राइट, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट को। अब आगे देखें, यह एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर देखें कि यह भाषा से स्वतंत्र है, आजाद है, फ्रीडम है, इसको कोई मतलब नहीं भाषा से, समझ रहे हो। जबकि इसको भाषा से मतलब है, स्वतंत्र नहीं है, मतलब भाषा से मतलब, हर एक वर्ड्स को लेकर हम ट्रांसलेट करेंगे इसको, टेंस को, समझ रहे हो। टेंस को हम जितना इजी समझते हैं वो उतना इजी है नहीं, अगर आप सीख गए तो इजी है, अदरवाइज इट्स नॉट इजी, राइट। हर कोई बोलता है टेंस आसान, बट टेंस आसान उतना भी आसान नहीं है जितना हम समझते हैं, राइट। कॉन्सेप्ट से अगर जाएंगे ना तो ये आसान नहीं है, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें गलत करेंगे, समझ रहे हो। आगे देखेंगे, टाइम से जो होता है ना, टाइम से दिन, महीना, वर्ष आदि आदि का बोध होता है। जैसे टाइम से चौथा नंबर, राइट, चौथा नंबर, इससे इससे समय, समय हम कह सकते हैं, टाइम का मतलब तो समय ही होता है। इससे दिन, दिन, महीना, जितने भी टाइम वाले आ जाएंगे, आदि का बोध होता है, आदि का
बोध होता है, बोध होता है, मतलब इसको लेके ये काम करता है टाइम को लेके, ठीक है। जबकि यह इसका अपोज होता है, टेंस होता है, टेंस क्या होता है, इसका अपोज होता है। लिखेंगे इससे दिन, दिन कोमा महीना, महीना आदि का बोध, आदि का बोध नहीं होता है, आदि का बोध नहीं होता है, समझ रहे हो। तो देखेंगे टाइम एंड टेंस क्या है, यह ग्रामेटिकल टर्म नहीं है, जबकि यह ग्रामेटिकल टर्म है, यह एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, यह एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है नहीं, यह भाषा से स्वतंत्र आजाद है, इसको कोई मतलब नहीं भाषा से, जबकि इसको मतलब है, इससे दिन महीना आदि का बोध होता है। इसको इसी के रिगार्डिंग हम बनाएंगे, दिन महीना जितना भी समय होता है उसको लेकर हम बनाएंगे। जबकि टेंस में क्या होगा, जबकि टेंस में इनसे कोई मतलब नहीं है इसको, राइट। दिन महीना आदि का बोध होगा ही नहीं, टाइम लेके बनाएंगे नहीं हम इसको, इसको हम अलग तरीके से बनाएंगे, राइट। ये था हमारा डिफरेंसेस, ये था हमारा क्या है डिफरेंसेस, इस तरह का फोर डिफरेंस। अभी हम लोग समझेंगे यूनिवर्सल और एक्सटर्नल जो होता है, एक्सटर्नल की बात किए थे वो होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको नोट कर लेंगे, फिर इसको हम समझते हैं आगे, नोट करेंगे इसको, नोट कीजिए। ठीक है, चलिए अब मैं इसको इरेज करता हूं ना, आगे हम समझेंगे। चले जानते हैं, अब यूनिवर्सल ट्रूथ को जानेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट जानना है आप सबको, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ट्रूथ, ये यूनिवर्सल ट्रूथ होता क्या भाई, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल मतलब ट्रूथ, ट्रूथ का मतलब तो सच, यूनिवर्सल मतलब पूरा ब्रह्मांड, राइट, पूरे पूरे। तो मतलब ये समझना, यूनिवर्सल ट्रूथ उस ट्रूथ को कहेंगे जो लोगों द्वारा माना गया हो, जो लोगों द्वारा माना गया हो, उसे साइंटिफिक द्वारा हम उसको प्रूव नहीं कर सकते, उसको कहते हैं एक्सटर्नल, सॉरी यूनिवर्सल ट्रूथ। तो हम इसको लिखेंगे, वह ट्रूथ, वह ट्रूथ जो लोगों द्वारा माना गया हो, लोगों द्वारा माना गया हो और इसे, और इसे साइंटिफिक विधि द्वारा हम इसे सिद्ध नहीं कर सकते, सिद्ध मतलब प्रूफ, सिद्ध नहीं कर सकते, ऑलराइट, नहीं कर सकते, इसे कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। तो क्या लिखे हम, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या बताया, वह ट्रूथ जो लोगों द्वारा माना गया है, लोगों द्वारा माना गया है और इसको हम साइंटिफिक विधि द्वारा हम इसको प्रूव नहीं कर सकते, वी कांट प्रूव इट। एग्जाम्पल समझेंगे, एग्जाम्पल, सूर्य पूरब में उगता है, उगता है, सूर्य पूरब में उगता है, क्या आप इसको प्रूव कर सकते हैं कि पूरब में ही उगता है, नहीं, इसको जस्ट माना गया है, इस डायरेक्शन को पूरब, इस डायरेक्शन को पश्चिम, इस डायरेक्शन को उत्तर, उस डायरेक्शन को दक्षिण, इस तरह से माना गया है, वी कांट प्रूव इट, समझ रहे बात को ना। कुछ कुछ चीजें मानी गई, जैसे पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू 22/7, क्या प्रूव कर सकते 22/7 क्यों होता है, नहीं कर सकते हो ना, माना गया ना, सेम इसी तरीके से इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ में जो लोगों द्वारा माना गया है उसको मान लिया गया है कि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब जो लोगों द्वारा माना गया उसको हम प्रूव नहीं कर सकते, उसको हम कहेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ। आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट। और ये चाहे कुछ में भी हो, यूनिवर्सल ट्रूथ को सिंपल प्रेजेंट टेंस से बनाया जाता है, हमेशा लिख देते हैं, इसे हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस से बनाया जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस से बनाया जाता है, बनाया जाता है। जब हम लोग टेंस का स्टार्ट करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो उसमें भी हम देखेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ को, ठीक है। तो उसमें आप एग्जांपल से क्लियर,
हम क्या पढ़ते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, अगर ता ते ती रहे तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस से बनाएंगे, नहीं, कुछ कुछ में ता ते ती नहीं रहेगा, आपको उसमें समझना है। जैसे सूर्य पूरब में उग रहा है, आप राह देखेंगे दसन इज राइजिंग इन द ईस्ट, गलत, इसलिए गलत होगा क्योंकि ये राह रही से है, सेंटेंसेस राह रही से, बट हम उसको ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको प्रूव नहीं कर सकते हम लोग, इसलिए हम इसको केवल किस में बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस से बनाएंगे। राह रही से हमें कोई मतलब नहीं, हम देखेंगे उस यूनिवर्सल ट्रूथ है क्या, अगर वो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना तो कुछ भी रहे एंड ऑफ द सेंटेंस में, वी हैव टू यूज ओनली सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई होप यू अंडरस्टैंड, ओके। जैसे देखेंगे द सन क्या बनेगा, द सन, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ईस्ट इसका इसका हिंदी और भी हो सकता है, जैसे हिंदी सूर्य पूरब में उग रहा है, सॉरी पूरब में उग रहा है, ध्यान से समझेंगे इसको। अब आप इसको करेंगे क्या, आई एम श्योर ज्यादातर लोग इसको करेंगे, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, राइट। आप इसको क्यों करें, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, आप इसलिए क्यों, क्योंकि एंड ऑफ द सेंटेंस में रहा रही है, इसलिए आप किए ना, आप तो यही सोचते सदियों से पढ़ते आ रहे कि रहा रही है दिखा तो ईजा मारा लगा, भाई नहीं है ऐसा, नहीं बिल्कुल नहीं, उसको देखना है कौन किस प्रकार का ट्रूथ है ये, विच काइंड ऑफ ट्रूथ इज हियर, राइट। वी ऑलवेज हैव टू काइंड ऑफ ट्रूथ, एक्सटर्नल ट्रूथ एंड सेकंड इज यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ में क्या बताया, जो साइंटिफिक उसको प्रूव नहीं किया जा सकता है, इसको साइंटिफिक प्रूव नहीं किया जा सकता, अगर आप इसको इस तरीके से बनाते हैं सन द सन इज राइजिंग द ईस्ट तो ये गलत होगा, इसका राइट आंसर होगा द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये इसका राइट आंसर होगा, क्यों तो आपको बता दिया, राइट। आई होप यू ये क्लियर हो गया होगा सारा, राइट। उसके बाद और थोड़ा सा समझेंगे लास्ट, वो एक्सटर्नल ट्रूथ, एक्सटर्नल ट्रूथ को समझेंगे, उसके बाद ये फंडामेंटल आपका क्लियर हो गया होगा, हो जाएगा आपका, ऑलराइट। सो नोट डाउन करेंगे इसको, ओके चले अब इसको क्लीन करते हैं। दूसरा ट्रूथ को समझेंगे ना, देखिए स्पोकन इंग्लिश को शुरू करने से बिफोर ना ये सारी चीजों को जानना बेहद जरूरी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दिस, राइट। विदाउट नोइंग दिस हाउ कैन वी स्टेट आवर स्टार्ट आवर कन्वर्सेशंस, हम लोग बात तो कर लेंगे बट सही तरीके से बात नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से हमें करना चाहिए, राइट। और हम लोग कम बोलेंगे बट परफेक्ट बोलेंगे, राइट, गलत नहीं बोलना है, ओके। सो दूसरा एक्सटर्नल ट्रूथ, एक्सटर्नल ट्रूथ किसको कहते हैं भाई, पहले पढ़े हम यूनिवर्सल ट्रूथ, दूसरा पढ़ रहे हैं अब एक्सटर्नल ट्रूथ, अब आपको कंफ्यूजन हो रही है, इस तरह का ट्रूथ हमें तो कभी पढ़ाया नहीं गया टेंस में, अरे नहीं पढ़ाया जाएगा, उनको भी नहीं पता ना, उनको पता होगा तब तो पढ़ाएंगे, राइट। पढ़ाने से बिफोर ना पहले पढ़ो उसके बाद बताओ स्टूडेंट्स को, राइट। गलत सवाल पढ़ा देते हो, ताते ती रहे सिंपल प्रेजेंट टेंस, भाई नहीं ऐसा नहीं होता है, राइट, हर जगह ही काम नहीं करती ना, ध्यान देंगे इसको। एक्सटर्नल ट्रूथ में क्या बताया, इसे लोगों द्वारा माना इसे लोगों द्वारा नहीं माना गया है, मतलब समझेंगे, इसलिए और इसे साइंटिफिक विधि द्वारा सिद्ध किया जा सकता है, राइट। समझेंगे इसको ध्यान से, इग्नोर नहीं करना कोई भी चीज को, राइट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जानना है सबको, राइट, हर कोई नहीं बताएगा। एक्सटर्नल ट्रूथ क्या है, इसे लोगों द्वारा नहीं माना गया, मतलब समझेंगे इसको, इसे साइंटिफिक विधि द्वारा प्राप्त मतलब प्रूव किया जा सकता है, वी कैन प्रूव थ्रू साइंटिफिक प्रोसेस। एग्जांपल्स आपके सामने, जैसे
बर्फ 0 डिग्री पर, या पानी, पानी लिखते चले, पानी 0 डिग्री पर बर्फ बनता है, सॉरी बर्फ बनता है, इसको हम साइंटिफिक विधि द्वारा क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। ये माना गया ना 0 डिग्री पर ही बर्फ बनेगा, उससे पहले नहीं बनेगा। 5 डिग्री पर बनेगा, नहीं बनेगा। 10 डिग्री पर बनेगा, नहीं बनेगा। इसको माना गया, हम साइंस बुक में पढ़ते भी है, साइंस की किताबों में हम अक्सर पढ़ते हैं कि जो पानी होता है 0 डिग्री पर क्या बनता है, बर्फ बनता है। और जो पानी होता है, दूसरा एग्जांपल देते हैं, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, उबलता है। पढ़े हो कि नहीं बताओ, साइंस की किताब में पढ़े हो ना, अंग्रेज की हो तो आई डोंट नो कि आप पढ़े हैं कि नहीं, बट ये बुक में तो है, शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, 6 से 7 से 8 में 9 में 10 में भी है और ये यूज भी होता है। तो आई होप आपको एक्सटर्नल ट्रूथ समझ में आ गया होगा कि जो साइंटिफिक विधि द्वारा उसको प्रूफ किया जा सकता है, दैट विल बी एन एक्सटर्नल ट्रूथ एंड विच इज नॉट बी प्रूव्ड बाय साइंटिफिक प्रोसेस, दैट इज यूनिवर्सल। ऑलराइट, तो एक्सटर्नल यूनिवर्सल को, एक्सटर्नल और यूनिवर्सल ट्रूथ को हम लोग अच्छी तरीके से समझ गए। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगी, सो हम नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो था, हम लोग उसको टेंस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लास करेंगे प्रेजेंट टेंस को, राइट, प्रेजेंट टेंस का पूरा सारा फंडामेंटल को हम एग्जाम्पल के साथ पूरा कंप्लीट करेंगे, या वन बाय वन हम लोग करेंगे उसको, जैसा होता है, वीडियोज को ज्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, राइट। और कोई भी आपको अगर डाउट्स होता है, यू मे कमेंट मी डायरेक्टली, राइट, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। ओके ओके, सो टिल देन हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।